मंकी फीवर के मामले देश के कई राज्यों में बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। खासकर कर्नाटक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में कुल 49 मामले सामने आए हैं। जिस तरह से मंकी फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सभी को अलर्ट रहने और इसके लक्षणों पर गंभीरता से नजर बनाए रखने की सलाह दी है। मंकी फीवर को क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज यानी KFD भी कहा जाता है। पहली बार इस फीवर का पता 1957 में चला था। इसके जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। खास तौर पर इसका जोखिम जंगली इलाकों और उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां पर बंदरों की आबादी अधिक होती है। बंदरों के शरीर में पाए जाने वाले टिक्स के काटने से इसके इंसानों में फैलने का खतरा रहता है। मंकी फीवर के बढ़ते खतरे को देखते हुए पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप खुद में मंकी फीवर के लक्षण देख रहे हैं तो इसके बारे में किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। समय रहते लक्षणों की पहचान और इलाज करने से इस रोग के गंभीर लक्षण बढ़ने का खतरा कम किया जा सकता है। मंकी फीवर की इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 8 दिन की हो सकती है, यानी कि संक्रमण होने के बाद लक्षणों के दिखने में 8 दिन तक का समय लग सकता है। संक्रमण के बाद ज्यादातर लोगों को अचानक तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षणों का खतरा हो सकता है। बीमारी बढ़ने के साथ उल्टी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लक्षणों का भी खतरा दिखने लगता है। मंकी फीवर के गंभीर रोग के शिकार लोगों में नाक और मसूड़ों में खून आने की दिक्कतें भी देखी जा रही हैं। इससे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी पैदा हो सकती हैं। KFD से बचाव बेहद जरूरी है। संक्रमण की स्थिति में इस रोग का कोई प्रमुख इलाज नहीं है। संक्रमण से बचाव के लिए देश के प्रभावित राज्यों में टीके दिए जाते हैं। संक्रमण का क्योंकि कोई खास उपचार नहीं है, इसीलिए लक्षणों को ठीक करने के लिए सहायक उपचार प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है।